नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रेजा VXI वेरिएंट है CNG में। इसके बारे में बताऊंगा भाई कंपनी क्या कुछ इसमें फीचर देती है, कितनी इसकी पावर है, क्या कुछ इसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। तो भाई शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। यहाँ पे भाई थोड़ा सा स्पेस कम है, स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी है, भरा पड़ा है भाई स्टॉक। यहाँ पे आप साइड में भी देख सकते हैं थोड़ी सी दिक्कत है, गाड़ी आगे पीछे भी नहीं कर सकते। गाड़ी स्टार्ट है, चाबी अपने पास है, तो अंदर बाहर से पूरा तरीके से आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं भाई। फ्रंट में यहाँ पे जो इसमें हेडलैम्प दिए गए हैं ये मिल जाएंगे प्रोजेक्टर। यहाँ पे कोई भी आपको DRL वगैरह इसमें नहीं मिलेगी, ना नीचे यहाँ पे कोई फॉग लैंप दिए गए। जो नीचे ये दिया गया है प्लास्टिक ये मिलेगा पूरा ब्लैक कलर का, रफ ब्लैक प्लास्टिक दिया गया है। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, ये इसका हैलोजन बल्ब है जो पार्किंग के लिए छोटा सा बल्ब होता है वो। तो ये इस टाइप का इसका फ्रंट का डिजाइन होगा। यहाँ पे ये क्रोम दिया गया है और भाई ये ग्लोसी ग्रे है। तो ये हो गया इसका फ्रंट। साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको इसमें कवर मिल जाएंगे, ब्लैक कलर के रिम दिए गए हैं कवर गाड़ी के अंदर, भाई वो भी आपको दिखा दूंगा। 215/60/16 टायर का प्रोफाइल है। आगे मिलेंगे डिस्क, पीछे मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक, ORVM बॉडी कलर है, इंडिकेटर इसके ऊपर ही दिए गए हैं। यहाँ पे टेप का यूज किया गया है, ए पिलर के ऊपर, बी पिलर के ऊपर भी टेप का यूज किया गया है। और ये सी पिलर यहाँ पे प्लास्टिक का मिल जाएगा। सार्कफिन एंटीना दिया गया है, बॉडी कलर है। अब रियर प्रोफाइल दिखा दूं आपको, तो देखो भाई ब्रेजा की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो, ये इसकी जो टेल लाइट है ये आपको LED मिलेगी, ये वाला पार्ट। यहाँ पे ये हैलोजन है टर्न इंडिकेटर, और ये वाला जो बल्ब है जो बैक गियर के लिए लाइट है ये भी हैलोजन है। नीचे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, बम्पर पूरा रफ ब्लैक प्लास्टिक के साथ है। चार पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और भाई कैमरा इस वाले वेरियंट में नहीं है, डिफोगर दिया गया है। यहाँ पे वाइपर वॉशर वगैरह नहीं है, हाई स्टॉप लैंप ऊपर मिल जाएगा। और जो इसका स्पेयर व्हील है वो मिलेगा भाई इसके अंदर, शायद से अंदर ही है, नीचे तो मेरे को दिखाई नहीं दिया। हाँ भाई अंदर ही है, यहाँ पे नीचे ये इसमें स्पेस वैसे का वैसा है जैसे पेट्रोल वाली में मिलता है। इसका मैं टायर का प्रोफाइल बताऊं तो सेम है, 215/60/16। ये इसमें सिलेंडर दिया गया है। अब भाई मारुति वाले पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, ये भी ड्यूल सिलेंडर कर दें तो इसके अंदर कितना बड़ा आपको बूट स्पेस मिलेगा। अब तो यहाँ पे क्या रखोगे, छोटे मोटे से आप यहाँ पे बैग रख सकते हैं, बड़ा बैग नहीं आएगा यहाँ पे, बिल्कुल खत्म है बूट स्पेस इसका। और ये इसके जो व्हील कवर है वो यहाँ पे दिए गए हैं, जो टूल वगैरह है, जो इसका जैक और ये पन्ने वगैरह है वो यहाँ पे इसमें रखे गए हैं। तो भाई Hyundai भी देने लग गई ड्यूल सिलेंडर, टाटा तो पहले ही देती थी, अब मारुति पता नहीं कब शिफ्ट होगी ये ड्यूल सिलेंडर पे। देखो आएगी कभी ना कभी, इनको भी अकल आ जाएगी। ये यहाँ पे इसमें फ्यूल फिलर कैप दिया गया है, CNG भी आप यहीं से भरवा सकते हैं। तो इस टाइप का लुक है, यहाँ पे कोई सेंसर वगैरह इसमें नहीं दिया गया क्योंकि कीलेस एंट्री नहीं होती भाई, सेंसर यहाँ भी नहीं है, की होल ये दिया गया है। गाड़ी स्टार्ट है, स्टार्ट गाड़ी में वीडियो बना रहा हूँ मैं। इंजन की नॉइस आपके सामने आ रही होगी कितनी है, वैसे तो भाई मारुति के इंजन है जो बहुत ज्यादा साइलेंट है, वाइब्रेशन भी नहीं होती, स्मूथ होते हैं इंजन, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी भाई आवाज तो आएगी। बोनट खुला हुआ है, कैबिन के अंदर बहुत कम आवाज आती है। अब इसका इंटीरियर दिखा दूं आपको, ब्लैक कलर का इंटीरियर है, डोर पैनल के ऊपर यहाँ पे फैब्रिक मिल जाएगा, ये यहाँ पे पूरा रफ ब्लैक प्लास्टिक है। ये सारे कंट्रोल दिए गए हैं, ये मैनुअली सेंटर लॉक के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए, ORVM को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, ये एडजस्ट करने के लिए। डोर ओपनर यहाँ पे ट्विटर दिया गया है, नीचे बोतल होल्डर, ये स्पीकर यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये हो गया इसका डोर पैनल। अब बात करते हैं इसके सीट की, तो ये भी यहाँ पे पूरा फैब्रिक दिया गया है, हाइट एडजस्टेबल सीट है। ऊपर भाई इसमें यहाँ पे हेडरेस्ट दिए जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट वो पीछे पड़ा है वहाँ पे, यहाँ पे ये इसमें लगा हुआ है। तो ये होगी इसकी सीट। अब डैशबोर्ड देखो भाई, यहाँ पे पूरा रफ ब्लैक प्लास्टिक है, यहाँ पे भी रफ ब्लैक प्लास्टिक दिया गया है, ग्लोसी ब्लैक नहीं है। ये यहाँ पे सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा, यहाँ पे भी सिल्वर है, ये यहाँ पे ब्लैक है। इसका थोड़ा सा जो डिजाइन है वो अलग है, ऊपर यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का ये टेक्सचर दिया गया है। हैजार्ड लाइट के लिए स्विच, सेंटर वाले AC के वेंट, और भाई AC मिल जाएगा इसमें यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक, ऑटो का ये इसमें ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे डिस्प्ले है, ये ब्लोअर के लिए, ये टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, और नीचे बाकी जो AC के कंट्रोल होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, ये USB पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, कोई टाइप सी पोर्ट या ऑक्स वगैरह की कनेक्टिविटी इसमें नहीं मिलती। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ये यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। ऊपर यहाँ पे इसमें ये डिमिंग ORVM मिल जाएगा, ये भी हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे माइक दिया गया है, यहाँ पे वैनिटी मिरर टिकट होल्डर के साथ, लाइट वगैरह नहीं है। ये फोल्डेबल ग्रैब हैंडल लाइट, ये सिर्फ सेंटर में मिलेगी, एक येलो कलर की हैलोजन, और यहाँ पे टिकट होल्डर इसमें दिया गया है। स्टेयरिंग की बात करूं तो भाई डी कट है पूरा, ये रबड़ रैप स्टेयरिंग मिल जाएगा, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल जो दिए गए हैं वो है म्यूजिक सिस्टम के लिए, ये नीचे यहाँ पे टेलीफोनिक बटन दिए गए हैं। और भाई स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाएगी, टेलीस्कोपिक आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये वाइपर के लिए कंट्रोल, ये हेडलैम्प के लिए, हेडलाइट लेवलर ये नीचे है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, ये फ्यूल चेंज करने के लिए CNG और पेट्रोल पे, तो उसका कंट्रोल यहाँ पे ये दिया गया है। गाड़ी स्टार्ट है, एक बार मैं आपको चाबी दिखा दूं तो ये इस टाइप की इसकी की मिल जाएगी। ये यहाँ पे 2 कंट्रोल मिलेंगे, सेम आपको ये दूसरे वाला रिमोट मिल जाएगा। तो दोनों रिमोट दिए गए हैं भाई इस वाले वेरिएंट में। अब इसको करते हैं स्टार्ट,
ये होगी गाड़ी स्टार्ट। स्टार्ट होते हुए आपको आवाज भी नहीं आएगी इंजन की, बिल्कुल प्यार से आराम से स्टार्ट हो जाता है। हल्की सी आएगी जब गाड़ी के अंदर आप बैठे होगे, वैसे आपको इसमें कैमरे में सुनाई नहीं देगी, तो बहुत हल्की आवाज आएगी अंदर। पेट्रोल पे है गाड़ी, अभी सीएनजी ब्लिंक कर रही है। अब जैसे सीएनजी पे आई, पेट्रोल यहां से चला गया, और तो यहां पे जो ये सीएनजी लिखा था ये ब्लिंक करना हो गया बंद। ये सीएनजी के यहां पे बार आपको फुल दिखाई दे रहे हैं, पेट्रोल इसमें है नहीं। नीचे यहां पे इसमें जो डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह है वो यहां पे जीरो दिखाएगा, यानी कि खाली दिखाएगा, क्योंकि गाड़ी सीएनजी पे चली गई। यहां पे ये एवरेज ये भी नहीं दिखाएगा, रेंज नहीं दिखाएगा, तो ये सारी चीजें भाई सीएनजी पे नहीं दिखाता। अब जैसे मैं इसको पेट्रोल पे शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे ये इसमें एवरेज वगैरह दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में रेंज वगैरह भी दिखा देगा। ये ऊपर यहाँ पे इसमें टाइम दिखाएगा, ये आउटसाइड का टेम्परेचर दिखाता है, बाकी और एक्स्ट्रा फीचर नहीं है एमआईडी में। यहाँ पे एनालॉग आपको दो डायल मिलेंगे, ये आरपीएम के लिए, ये स्पीड के लिए। ये जो नोब है इससे आप इसका जो ट्रिप वगैरह है वो रिसेट कर सकते हैं। ट्रिप में यहाँ पे आपको ये ट्रिप ए, उसका डाटा, ट्रिप बी का डाटा, ओडोमीटर वगैरह ये चीजें दिखा देगा। म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो इसमें आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वगैरह मिल जाएगा। टच यहाँ पे साइड में कंट्रोल दिए गए हैं, इस टाइप का इसका ये इंटरफेस है। तो ये हो गया इसका फ्रंट रो। नीचे ग्लोव बॉक्स नहीं दिखाया मैंने आपको, ग्लोव बॉक्स दिखा दूं तो ये कूल्ड नहीं है ना, इसके अंदर लाइट है। सेकंड रो में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, तो ये पीछे वाला डोर देखो भाई, ये भी सेम थीम पे है जैसे फ्रंट वाला था। फैब्रिक यहाँ पे है, पावर विंडो के लिए कंट्रोल, ये डोर ओपनर, नीचे बोतल होल्डर, ये स्पीकर दिया गया है, ट्विटर नहीं है पीछे। सीट की बात करूं तो भाई पूरी इसमें बेंच सीट दी गई है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर में कोई हेडरेस्ट आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। आइसोफिक्स सीट के लिए हुक मिलेंगे, यहाँ पे आपको तीन सीट बेल्ट दी जाती है। अब तो भाई ये रूल आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, तीन सीट बेल्ट देनी पड़ेगी पीछे वाली सीट पे भी। ये सीट भाई पूरी पीछे करी है, जितने भी पीछे हो सकती है तब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस, और इसके नीचे टांगे भी चली जाएंगी। जब बंदा इसके ऊपर बैठ के अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके चलाएगा तो इसके नीचे टांगे बिल्कुल आराम से चली जाएंगी, लंबी टांगे करके फैल के आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। अंडर थाई स्पोर्ट थोड़ा सा कम है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम स्पोर्ट मिलेगा ये, और जो इसकी सीट है वो थोड़ी सी छोटी है, जैसे यह सामने पे आपको दिखाई दे रही होगी, ज्यादा बड़ी सीट नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कम्फर्ट आपको कम मिलेगा इसमें। वैसे गद्देदार सीट है, फैब्रिक है पूरा, तो वो पसीने वगैरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी, और कुशनिंग अच्छी खासी ये दी गई है। ये वाला पार्ट है जो ये भी काफी ऊंचा है। यहाँ पे एसी के वेंट मिलेंगे, लेकिन कोई चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट वगैरह वो चीजें यहाँ पे नहीं दी गई। लाइट मैंने दिखाई दी, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल ये हुक के साथ, यहाँ पे भी हुक ये दिया गया है, और जो इसकी सीट बेल्ट है ये भी फिक्स दी गई है। तो ये हो गया भाई इसका इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर वगैरह जो कुछ थे। इंजन मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो भाई खुला था, लेकिन हाँ भाई खुला ही है। यहाँ पे इसमें डेड पैडल भी दिया गया है, तो अब इंजन दिखा दूं, इंजन कैसा कुछ है। एसी भी चल रहा है, गाड़ी स्टार्ट है, इंजन की नॉइस अब आपको अच्छे से पता चल जाएगी कितनी आ रही है। ये देखो भाई 1500 सीसी का चार सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसमें दिया जाता है, कोई डीजल वगैरह का ऑप्शन नहीं है। दो फ्यूल के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ब्रेजा में, ओनली पेट्रोल लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, अगर सीएनजी के साथ लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये है सीएनजी वाला वेरिएंट। इसकी मैं पावर वगैरह की बात करूं तो 87 बीएचपी की इसमें आपको पावर मिलेगी, और 121.50 एनएम का टॉर्क मिल जाएगा। माइलेज वगैरह भाई आपके चलाने के ऊपर ही है, वैसे कंपनी तो भाई 27-28 की बोलती है कि निकाल देगी आराम से सीएनजी में, पेट्रोल में निकाल देगी 18-20 की। बाकी इंजन स्मूथ है, कोई इसमें आपको लैग नहीं होगा, कहीं कोई वाइब्रेशन या फिर इंजन नॉइस वगैरह कैबिन में नहीं आएगी, बिल्कुल शांत गाड़ी है, चलाने में आपको मजा आएगा। थोड़ी सी भाई हैवी भी है, थोड़ी सी इसकी सेफ्टी रेटिंग आपको बाकी जो मारुति की कार है इनके अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया मिलेगी। इसकी भाई मैं कीमत की बात करूं तो ये वाला वेरिएंट है 10,64,000 रुपए का, एक्सशोरूम कीमत, ऑन रोड कीमत जाएगी लगभग 12-12.5 के आसपास, वो आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं वहां पे कितनी है, क्योंकि हर एक सिटी में, हर एक शोरूम पे, हर एक स्टेट में कीमत में डिफरेंस मिलेगा। कहीं पे डिस्काउंट भी मिल सकता है, कहीं पे डिस्काउंट ज्यादा मिल सकता है, कहीं पे भाई बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो अलग अलग शोरूम की अलग अलग कहानी है, वो आप वहां पे जाके पता कर सकते हैं। बाकी फीचर वगैरह थे जो कुछ था वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी। तो ये था भाई आज का वीडियो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।